झारखंड की वर्तमान सरकार गिराने की साजिश रचने के तीन आरोपियों को शनिवार को रांची की एसीबी कोर्ट से जमानत मिल गई। एसीबी की ओर से 3 माह में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जाने और आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाने के कारण अदालत ने ब्रजेश कुमार दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो को जमानत प्रदान की। आरोपियों को सीआरपीसी की धारा 167 के तहत जमानत का लाभ मिला है। इस धारा के अनुसार जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ 90 दिनों के अंदर यदि आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता तो अदालत उसे जमानत प्रदान कर सकती। सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाते हुए 22 जुलाई को कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने महाराष्ट्र और झारखंड के कुछ पावर ब्रोकर्स पर सरकार गिराने की साजिश रचने और कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप लगाते हुए रांची के कोतवाली थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने रांची के एक होटल से 3 लोगों ब्रजेश कुमार दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उनके पास से 2 लाख रुपए बरामद किए थे। इस साजिश की जांच के क्रम में पुलिस ने महाराष्ट्र भाजपा के 2 विधायकों के नाम भी लिए थे। पुलिस इस मामले में गिरफ्तार लोगों को जेल तो भेज दिया लेकिन 3 माह बाद भी जाँच का ना तो कोई निष्कर्ष सामने आया और ना ही चार्जशीट फाइल की गई। देखते रहिए JK न्यूज़ नेटवर्क।